बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फॉर चैनल। और मैं समीना तारिक। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे बहन भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब दोस्त? रोज़े तो बहुत लग रहे होंगे क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो कुछ खानों में मज़ेदार सा मिल जाए तो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगता। जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो बस टाइम जो है वो इसी तरह स्पेंड हो जाता, पता नहीं चलता। ये देख सकते हैं जो मैंने चिकन बॉक्स बनाए थे, ये उनकी फीलिंग है इसकी वीडियो चिकन बॉक्स रेसिपी में लगी हुई है, यही वीडियो, ये जो मैंने स्टफिंग बनाई हुई है। और ये जो डो देख रहे हैं आप, ये मैंने कलर वाला, मैंने सतरंगी पिज़्ज़ा बनाया था, बिल्कुल मैंने उसी तरीके ये डो बनाई थी। और मैं अक्सर आपको बताया मैंने कि मैं डो बना के उसको इसी तरह प्यालियों में डाल के तीन तीन प्यालियाँ बना लेती हूँ और उसको रख देते हैं, और जब मुझे ज़रूरत होती है हम सुबह ही निकाल लेती हूँ। इस वक्त तक बिल्कुल दो तीन घंटों में ये बिल्कुल अपनी उसी हालत में आ जाती है। तो ये वही डो है, देखें बहुत ज़बरदस्त हो गई है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हमें, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे ये रेडी होते हुए। और आज हम क्या बनाएंगे ये तो बताइए नहीं, आज हम बनाएंगे चिकन क्रोसेंस, क्योंकि जो क्रोसेंस हैं उनकी वीडियो मैं लगा चुकी हूँ, वो बगैर स्टफ़ किए हुए थे। और जी ये वाले जो होंगे ये चिकन की स्टफिंग के साथ होंगे, सिंपल वाले तो अच्छे लगते हैं लेकिन जो चिकन की स्टफिंग वाले होंगे उनकी तो क्या बात है। और अब मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है, ये पिज़्ज़ा डो है तो टाइम की बचत के लिए मैं बना के रख देती हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जो होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट होटल जहाँ पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं, जहाँ हम जाते हैं खाते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह करते हैं, वो बना के फ्रीज़ कर देते हैं और डेली बेस पे फिर वो यूज़ करते हैं। इसकी मैंने एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ये देखिए मैंने रोटी को बड़ा सा बेल दिया। चलें जब मैं इसको हाफ ऑफ करने लगी हूँ, देखें बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने दूसरे क्रोसेंस बनाए थे। और अब इनको भी मैं दो दो करूंगी। पहले मैंने इसको हाफ ऑफ किया, फिर उस जो फोर पीस बने थे उनको फिर मैंने हाफ ऑफ कर दिया और ये आपके सामने है। तो अब मैं इनको स्टफ करूंगी, ये देखें। स्टफिंग जो है, आजकल रमज़ान है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो ताज़ा ताज़ा ये जो स्टफिंग होती है वो मैं अक्सर ही सेव कर देती हूँ फ्रीज़र में, तो ये हमारे काम आ जाती है, हर रोज़ बनाना नहीं पड़ती है। देखिए इधर से मैंने इसको कट कर लिया है और इसको मैं बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले बनाए थे ये देखें इसी तरह मैं दूसरे भी सब कर लूँगी। स्टफिंग जो है हम ज़्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो हमारी जो चीज़ होती है वो इर्द गिर्द से फटना शुरू हो जाती है, इसलिए उतनी स्टफिंग यूज़ करें जितनी के इसके अंदर पूरी आ जाए। ये देखें मैं इसी तरह दूसरे सारे बना लूँगी।
स्टफिंग रख दी है सबके अंदर, तीन मैंने बेकिंग ट्रे पे ऑयल करके रख दिया इनको। और अब मैं इन सबको देखें इकट्ठे काट लूँगी, इनको कट लगाने हैं सबको। बस फटाफट इनको रोल करते जाना है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जबकि हमारी दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हों। बस इसी तरह ये मैं सारे करके बेकिंग ट्रे पर रखती जाऊंगी। मैंने एग वॉश करना है क्योंकि इससे इनका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, येलो येलो तो पहले ही हैं और इसके साथ ही और भी खूबसूरत नज़र आएंगे कलर से। थोड़ी थोड़ी इनको स्पेस देनी है क्योंकि ये फूलते हैं। और अब देखिए मैं इनके ऊपर थोड़े थोड़े ये खूबसूरती के लिए तिल लगा दूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ों को खूबसूरत करना भी बहुत शौक़ होता है कि ये रेडी होके अच्छी लगें, खूबसूरत लगें। क्योंकि जब हमारे गेस्ट आएँ या हम ख़ुद भी इनको खाने लगें तो प्लेट के अंदर पड़ी हुई ये खूबसूरत दिखनी चाहिए। ये देखें सबके ऊपर मैं इसी तरह तिल जो हैं वो लगा के इनको बेक करने रख दूँगी। वो रेडी हो गया है और मैं इसको रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन क्रोसेस बन के रेडी हो गए हैं और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। देखिए बहुत ही गर्म भी हैं, हाथ जल रहा है अभी तो। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इफ्तारी के टाइम पर या ख़ास मेहमानों के आने पर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप जब बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कितने मज़े के बनते हैं, क्योंकि विदाउट फीलिंग तो हमने खाए हुए हैं, फीलिंग के साथ भी बना के ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।